हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 1 नवंबर से लेके 7 नवंबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर सजिटेरियस। The Sun, the Hanged Woman, Two of Pentacles, Justice, and Temperance. Okay. So हमारे पास है जस्टिस। जस्टिस के होने का मतलब है जो चीजें जिस जगह पे होनी चाहिए वहां वो पहुंच जाएंगी। Okay. It's like शायद कोई आपको हर्ट करके अपने कर्म से भाग रहा था, अपने कर्मा से डील नहीं करना चाहता था और अपने आप को जस्टिफाई कर रहा था, ये सोच के आगे बढ़ रहा था कि उन्होंने जो किया वो किया, कभी कोई पनिशमेंट उन्हें इसके लिए मिलेगी नहीं, कभी कुछ लेसन उन्हें लर्न करना नहीं पड़ेगा, कभी कुछ बदलेगा नहीं एंड उन तक वापस वो चीजें नहीं आएंगी जो उन्होंने यूनिवर्स में पुट की। बट द थिंग इज कि अब इस पर्सन को रियलाइज हो रहा है कि यूनिवर्स का जस्टिस बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वे में हो सकता है कभी कभी। ओके, डायरेक्टली दिखाई नहीं दे रहा बट बहुत कुछ हो रहा है यहाँ पे। ये पर्सन ऐसा फील कर रहा है जैसे लाइफ ने उन्हें किसी दोराहे पे लाके छोड़ दिया है, क्योंकि टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सो ये पर्सन ऐसा महसूस कर रहा है जैसे वो अपनी लाइफ में स्टक है, यहां से आगे नहीं बढ़ सकते, यहां से निकलने का कोई मौका भी नहीं है। ये शायद एक ऐसे रिलेशनशिप में फंसा वसा महसूस कर रहे हैं जहां पे इनकी कोई कद्र नहीं हो रही। ओके, पॉसिबली इन्होंने सोचा था कि वो आपको हर्ट करके अपनी लाइफ में खुश रह सकते हैं, मूव ऑन कर सकते हैं। बट द थिंग इज कि जो कुछ भी इन्होंने आपके साथ किया वो अब इनके साथ खुद हो रहा है। मे बी कोई कार्मिक हो सकता है इनके लाइफ में जो इन्हें मिरर दिखा रहा है, या सिंपली ये एक ऐसे पर्सन के बारे में हो सकता है जिसने आपको सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं चूज किया क्योंकि उन्हें दूसरों के ओपिनियन को इम्पोर्टेंस देना था। दूसरे लोग उनके लिए इतने इम्पोर्टेंट हो गए थे कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल गए, वो ये भूल गए कि वो आपके लिए रिस्पॉन्सिबल है। उन्होंने अगर आपको कमिटमेंट दिया है तो उन्हें वो कमिटमेंट निभाना पड़ेगा। वो जैसा लगता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे थे और उन्हें लगा था कि उन्हें तो स्केप मिल ही जाएगा। आफ्टरऑल ये जो लोग उन्हें ओपिनियन दे रहे हैं ये उनके वेल विशर तो है ही, सो ये उन्हें संभाल ही लेंगे। बट द थिंग इज कि अब आपके पर्सन को सच दिखाई देने लगा है और इस सच पे यकीन कर पाना उनके लिए मुश्किल है। बट यकीन ना करें तो और करे भी क्या, ये सच कहीं जाने नहीं वाला उनकी आंखें बंद करने से। और इसलिए अब हैंग्ड वुमन बन के सोच रहे हैं वो केयरफुली कि क्या ये जो उन्होंने किया उन्हें किसी भी तरीके से बेनिफिट किया इन चीजों ने। आई थिंक ये एक ऐसे पॉइंट पे है जहां पे ये सेल्फ एनालिसिस कर रहे हैं और टेम्परेंस के साथ इनके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, जस्टिस इन्हें बदल रहा है, यूनिवर्स जो इन्हें लेसन दे रहा है वो इनके ऊपर वर्क कर रहे हैं। ऑल्सो इन्हें पता है कि इनके पास कोई चॉइस भी नहीं है। ओके, चॉइस नहीं है इन द सेंस कि वो समझ ही नहीं पा रहे कि वो आगे कैसे बढ़ेंगे इस ऑब्स्टेकल को क्रॉस करके। उन्हें लगता है कि ये लेसन रिपीट होता रहेगा, अगर वो कुछ सीखेंगे नहीं, इसे इग्नोर करते रहेंगे, इसे दूर भागना चाहेंगे तो डेफिनेटली ये लेसन रिपीट होते रहेंगे, ये उसी पॉइंट पे स्टक रहेंगे और बार बार वो ऑब्स्टेकल उनके सामने आएगा। सो उन्हें समझ में आ गया है कि वो अपने कम्फर्ट जोन को नहीं चुन सकते, अपने इरेस्पॉन्सिबल बिहेवियर को उन्हें बदलना ही होगा और रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी होंगी। ऑफ कोर्स द सन है यहाँ पे, सो इन्हें रियलाइज हो रहा है कि आपके जाने के बाद इनके लाइफ में सन भी नहीं रहा। आपके दूर होने से वो महसूस कर रहे हैं जैसे कि उन्होंने एक बहुत अच्छा कंपेनियन खो दिया है, एक ऐसा पर्सन जो उनके साथ हर समय रह सकता था, जो उनके साथ इस जर्नी को पूरी कर सकता था, एक ऐसा कंपेनियन जो उनकी स्ट्रेंथ बनता, जो उन्हें सपोर्ट करता बजाय जज करने के। बिकॉज जस्टिस का कार्ड है तो ये पर्सन आजकल जज भी बहुत हो रहा है।
जियोलॉग भी उनके आसपास है, उन्हें जज कर रहे हैं, उन्हें ऐसा फील करवा रहे हैं जैसे कि उनसे बड़ी गलतियां तो दुनिया में किसी और ने की ही नहीं है और उनसे बुरा कोई और हो भी नहीं सकता। ये पर्सन सबके ट्रू फेसेस देख रहा है और ट्रूथ यह है कि वो दूसरों के नहीं अपने ही ट्रू फेस को देख रहे हैं। दूसरे सिर्फ उन्हें ही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, उनका कर्मा दूसरों के थ्रू वापस आ रहा है और वो जो अब देख रहे हैं वो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा, उससे डील करना बहुत मुश्किल हो गया उनके लिए। ओके सो ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर सजिटेरियस, एस ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, फोर ऑफ सोर्ड्स एंड द स्टार। ओके सो हमारे पास है टू ऑफ कप्स। आई थिंक ये पर्सन अब सोच रहा है कि उन्होंने जो किया क्या वो एक्सेप्टेबल था। अब वो एक्चुअली आपकी जगह खुद को रख के सोच रहे हैं तो उन्हें दिखाई दे रहा है कि आपने कितना कुछ टॉलरेट किया है, आपने कितना कुछ होने दिया एंड बहुत सारे रेड फ्लैग्स को इग्नोर किया, तब जाके ये रिलेशनशिप इतनी दूर आ पाया। अगर उनके जैसा अप्रोच आपका भी रहता तो आप दोनों यहाँ भी नहीं पहुँचे होते। अगर उनके जैसा अप्रोच आपका होता तो वो आपको कभी इतने मौके देते ही नहीं। ऑल्सो किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, सो प्रोबेबली ये पर्सन किसी के साथ रिलेशनशिप में हो सकता है या मे बी मैरिड भी हो सकते हैं। ये बात आपको पता हो सकती है या नहीं भी, बट एनीवेज शुरुआत में हो सकता है ये बात इस पर्सन ने आपसे छुपाई हो आपके क्लोज आने के लिए। और अब उन्हें दिखाई दे रहा है कि आप इमोशनली कितने हर्ट हैं, उनकी वजह से आप कितने सारे स्ट्रगल से गुजरे, कितना मुश्किल हो गया आपके लिए खुद को संभालना। ये पर्सन ये रियलाइज इसलिए कर पा रहा है क्योंकि अब वो उसी चीज से गुजर रहे हैं, उन्हें दूसरे मिरर दिखा रहे हैं, दूसरे हर्ट कर रहे हैं तो उन्हें भी अब वही पेन महसूस हो रहा है, तो बहुत सारी चीजों से इन्हें गुजरना पड़ रहा है। द स्टार के साथ इन्हें आप याद आ रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि आप ही उन्हें सही डायरेक्शन में गाइड कर रहे थे और उन्हें आपको फॉलो करना चाहिए था। ये स्टार ही उनकी डेस्टिनी था, ये स्टार ही उन्हें उनके इस फोर ऑफ स्वॉर्ड से बचा सकता था जो कि बात कर रहा है अकेलेपन की और वल्नरेबिलिटी की। ये पर्सन बहुत कमजोर हो गया है और इमोशनली इनके अंदर अब कोई और स्ट्रेंथ बाकी नहीं रहेगी, इमोशनली नम है, किसी से कनेक्ट हो नहीं पा रहे और उन्हें लगता नहीं कि कोई उनसे भी कनेक्ट होना चाहता है सीरियसली। एक लैक ऑफ कनेक्शन है, इम्प्टीनेस है जिसे वो कैसे भरे उन्हें समझ नहीं आ रहा। एस ऑफ पेंटिकल्स उन्हें मिला था बट उन्होंने वो लूज कर दिया और अब वो बहुत सारी चीजों के बारे में सोच रहे हैं तो उन्हें पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं ये उनके किए का ही फल है। चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। ब्रेक द चेन, एंसेस्ट्रल पैटर्न्स, हीलिंग, रीराइटिंग द फ्यूचर। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि पुराने पैटर्न्स को ब्रेक करना जरूरी है, वो चीज़ें जो आपको टॉक्सिक चीज से जोड़ रही हैं या कनेक्ट कर रही हैं उस चेन को ब्रेक करना जरूरी है क्योंकि ये वक्त है हीलिंग का, दोबारा से अपने फ्यूचर को लिखने का। जो पास्ट में था वो अब यूजलेस है और फिलहाल आपको अपने पास्ट से डिसकनेक्ट होके फ्यूचर की तरफ बढ़ने की जरूरत है। अपने आप को उतना वक्त दीजिए जितना आपको चाहिए ताकि आप अपने फ्यूचर को फिर से लिख सकें। ओके आप प्रिपेयर हो सके अपने जर्नी के नेक्स्ट फेज के लिए। तो ये है रीडिंग इस वीक की, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द नेक्स्ट वीडियो, बाय।